हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन स्टडी फर्स्ट में स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में कंसेप्ट नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे, आप अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 4। ऐसा कंसेप्ट हम बताएंगे बिना कॉपी और पेन का भी आप लोग पढ़ लें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एवरेज सबसे आसान चैप्टर है और सबसे टफ भी चैप्टर है हमारे हिसाब से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़कर संख्या से भाग देते हैं तो एवरेज निकल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वैसे नहीं करना। वैसे करेंगे तो ज़िंदगी में जोड़कर भाग देते रह जाएंगे और आपका काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज कंसेप्ट नंबर 4 ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पूछेगा कि 28 से लेकर 145 तक की संख्याओं का औसत बताओ। तो आपको पता होगा कि हम 28 को जोड़ेंगे, 29 को जोड़ेंगे, 145 तक जोड़ेंगे और इतनी संख्या है हमारी 28 से लेकर 145 तक जितनी संख्याओं की संख्या है उसे हम भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ वैसे नहीं करना, हमारे यहाँ नहीं कैसे करना है कॉन्सेप्ट से, छोटी संख्या सबसे जो है 28 और सबसे बड़ी संख्या 145 दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, यही आपका एवरेज हो जाएगा, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा। 8+13 हो जाएगा और 4+6 हो जाएगा और 8+13 हो जाएगा और 4+6 हो जाएगा, 1+8 जो है 7 हो जाएगा और 1+1 हो जाएगा, यानी 173 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। 2 × 8 = 16 हो जाएगा और 2 × 6 = 12 हो जाएगा। 2 × 8 = 16 और 2 × 6 = 12, 1 × 5 = 10, यानी 86.2 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन पे ज़्यादा नहीं जाइएगा, आप कंसेप्ट सीखिएगा। 173 को 2 से डिवाइड करेंगे जितना भी आया आपका एवरेज वही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट में आएंगे हम, कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5 में क्या कहेगा कि 5 सम संख्या का औसत दे देगा। 28 दे दिया तो फर्स्ट एवं लास्ट संख्या, यानी पहली और पांचवी, लास्ट माने पांचवी का योग बताओ, योग यानी जोड़ बताओ। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए संख्या कौन कौन सी होगी, उसके बाद ही तो हम बता पाएंगे कुछ भी। तो इसके लिए हमारे 5 सम संख्या, यानी यहाँ पर मिस्टेक किया थोड़ा सा, ये क्रमागत होगा, 5 क्रमागत सम संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 पाँच होगा, बीच वाली जो संख्या होती है एवरेज, इधर भी 2 इधर भी 2, बीच वाली संख्या जो होती है एवरेज में आती है, यानी औसत में। इसका मान लीजिए 28 और क्रमागत बोला है, इससे पहले 26 होगा, इससे पहले 24 होगा, इसके बाद 30 होगा, इसके बाद 32 होगा। अब इनमें से कहा पहली और लास्ट की योग, यानी 24 और 32 का योग पूछा है, तो 24 और 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24+32=30, 20+50, 4+56 हो जाएगा, यही आपका एवरेज हो जाएगा आंसर। अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट नंबर 6 में यही कहा जाएगा 5 विषम संख्या, 5 क्रमागत विषम का औसत दे देगा, कुछ भी दे सकता है, 20 दे दिया, 20 दिया है, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 20 है, तो दूसरी एवं चौथी का अंतर बताओ। कुछ भी पूछ सकता है, जब आपको संख्या मिल जाए तो आप कुछ भी बता सकते हैं। तो क्रमागत, यहाँ भी क्रमागत ही होगा, जब तक क्रमागत नहीं कहेगा ये आपका कंसेप्ट
सही नहीं होगा। अच्छा चार पाँच और ये छः हो गया, तो इसमें एक दो तीन चार पाँच हम ले लिए विषम संख्या, और जो विषम संख्या का औसत जो है बीस दिया है, बीच वाली संख्या बीस वाली संख्या बीस है, तो उससे पहले वाली जो विषम संख्या होगी उससे पहले जस्ट पहले वाली विषम संख्या उन्नीस होगी, इससे पहले वाली सत्रह होगी, इसके बाद इक्कीस होगी, इसके बाद तेईस होगा। तो जब हमारा इसका मान पता है, इसका पता है, इसका पता है, मैंने पाँचों संख्या पता है, दूसरी चौथी का अंतर बताना है, यानी दूसरी उन्नीस है और चौथी इक्कीस है, यानी दूसरी और चौथी का अंतर जो मैं है इक्कीस माइनस उन्नीस कर दूँगा, बड़ी वाली छोटी घटा देंगे तो दो आंसर हो जाएगा आपका। इसमें कुछ है नहीं, बस कंसेप्चुअल है, और इसमें देखिए अब यही नहीं पता रहेगा तो परीक्षा में छोड़ देंगे। इसमें कंसेप्ट नंबर अब आ जाएगा सात, इसमें आपसे क्या पूछ लेगा कंसेप्ट नंबर सात में, कि कंसेप्ट नंबर सात में ये पूछ लेगा, जैसे इसमें ये तो फर्स्ट और लास्ट का योग करके निकाल दिए थे, ये सम पथ है, ये विषम पथ है, और इसमें ऐसा ही पूछ सकता है कि छ सम संख्या या क्रमागत सम संख्या, सम भी कह सकता है, सम या विषम या प्राकृतिक, कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए प्रकृति को पूछ दिया, हम मान लीजिए प्रकृति को पूछ दिया, तो छ प्राकृतिक संख्या, अब हम आप लोग कहेंगे पाँच था तो बीच में हम दे देते थे, तो छ आ गए तो कहाँ लेंगे, छ प्राकृतिक संख्या का औसत दे दिया, मान लीजिए पंद्रह दे दिया, तो पहली और छठवीं का योग बताओ, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः, अब तो इसमें छः संख्या होगी तो बीच वाला एवरेज होगा, तो बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे हम डंडा लगा देंगे, इधर तीन हो गया, इधर तीन हो गया, तो डंडा लगा देंगे, इसका मान पंद्रह है और इसका क्रम से है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसके बाद यहाँ पर चौथी पर सोलह आ जाएगा, यहाँ पर सत्रह आ जाएगा, यहाँ पे अठारह आ जाएगा, इधर पंद्रह, इधर चौदह हो जाएगा, तेरह हो जाएगा, ये बारह हो जाएगा। तो पहली और छठवीं का योग पूछा तो बारह और अठारह, बारह प्लस अठारह बराबर तीस हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से निकालेंगे, और सम कहता है तो यहाँ से पंद्रह से पहली वाली सम संख्या लेते, चौदह चौदह से पहली सम वाली संख्या लेते, बारह बारह से पहली दस, इस प्रकार से होता है। अगर विषम कहता है तो पंद्रह जो हमारा एवरेज निकलता है उसके पहले वाली विषम संख्या क्या होता है, तेरह, तेरह के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद नौ, इस प्रकार से हम कर लेते हैं आसानी से, इसमें कुछ करना नहीं था, आसानी से आप ये कंसेप्ट चार हो गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला कंसेप्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल लिटन स्टडी फर्स्ट को, और पढ़ते रहिएगा मन लगा के, अगली वीडियो में लेकर आएंगे अगला कंसेप्ट। सो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।